नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में, हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर की ओर। जबलपुर शहर के केंट बोर्ड कार्यालय में उस समय संबंधित अधिकारी की जान हलक में आ गई जब उन्हें पता चला कि दिल्ली सीबीआई की टीम जबलपुर केंट बोर्ड में आ चुकी है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने आज सुबह कार्यालय खुलते ही केंट बोर्ड में छापा मारा है। कहा जा रहा है कि यह छापा भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें केंट बोर्ड के कई दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। छापे के दौरान कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने कार्यालय में कई लोगों से पूछताछ भी की है। कार्यालय खुलते ही अचानक पहुंची सीबीआई टीम ने उपस्थित केंट बोर्ड अधिकारी को बताया कि वे दिल्ली से आए हैं। उन्हें केंट बोर्ड भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत मिली है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई दिल्ली और जबलपुर की टीम ने सुबह करीब 11 बजे छापामारी शुरू की तथा इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग को अपनी गिरफ्त में लेते हुए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। टीम में करीब 12 अधिकारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो सीबीआई को केंट बोर्ड कार्यालय से जुड़े मामलों की अलग अलग 8 लोगों ने दस्तावेजों के साथ शिकायत की थी। उक्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई टीम ने छापामार कार्रवाई की है। सीबीआई केंट बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में दिए गए टेंडरों से जुड़ी फाइलें भी खंगाल रही है। जाँच के दायरे में कुछ पूर्व बोर्ड मेंबर भी है। बंद कमरे में चल रही जाँच में कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि केंट बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में कई अधिकारी लपेटे में आ सकते हैं। इस संबंध में केंट बोर्ड अधिकारियों की ओर से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।